हेलो दोस्तों, एजुकेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे पीडीए क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। पीडीए का मतलब होता है एक ऐसा फ़ोन जिसे हम अपने जेब में रख के चलते हैं, उसे हम पीडीए बोलते हैं। यह खास तौर से विशेष कार्यों के लिए बनाया गया होता है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, मतलब काफ़ी महंगा होता है, जिसमें हम मैथ के कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से, वॉच घड़ी देख सकते हैं, कैलेंडर देख सकते हैं, और कुछ भी कंप्यूटर की तरह टाइप कर सकते हैं किसी को मैसेज करने के लिए। ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम गेम भी खेल सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करके दुनिया भर की जानकारी के बारे में जान सकते हैं। किसी को मेल करना है, पहले के समय में लोग चिट्ठी भेजते थे, लेकिन पीडीए आने से आप जीमेल के माध्यम से किसी को भी मेल कर सकते हैं और मैसेज रिसीव कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप रेडियो पे अच्छे खासे गाने को सुन सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नोट्स पीडीएफ बना सकते हैं, और कुछ भी लिख के कुछ भी बना के सेव कर सकते हैं। यह एक प्रकार का बहुत ही उपयोगी डिवाइस है। इसमें आप अलग अलग स्लाइड के पीडीए पा जाएंगे। मार्केट में जाने के बाद अलग अलग डिज़ाइन के आप फ़ोन ले सकते हैं, अर्थात आज के समय में इसे फ़ोन कहा जाता है, लेकिन कई वर्षों पहले इसे हम पीडीए के नाम से ही जानते थे। इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, और सिंपल भाषा में कहें तो यह एक प्रकार का स्मार्टफोन हो गया है आज के समय में। वेब ब्राउज़र के माध्यम से इसमें मल्टीमीडिया के सॉन्ग भी सुने जा सकते हैं, और कई तरीके के आप वर्क भी कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो वाईफाई से कनेक्ट करके फ़ोन में इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो पीडीए को विशेष तौर से आपकी सुविधाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इससे आपका काम आसान हो सका।